सिर्फ दो ही क्या बोलते हैं उसको एपिसोड्स देखा है मैंने. कल रात को चीटिंग करके चारों एपिसोड्स देख लिए थे जो भी है. मुझे काफ़ी ठीक लगा. अभी बाकी बाकियों को कैसा लग रहा है वो देखना है. हमें तो पता ही है क्या होने वाला है. पर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, मेरे दोस्त भी है यहाँ पे, तो मैं अभी जाके पूछूंगी उनसे कैसा लग रहा है उनको. कुछ नहीं बदला है, कोई कुछ बदलता नहीं है. नो, इट्स नॉट वन ऑफ दोज फिल्म्स, यू नो. आई मीन सम फिल्म्स डू चेंज यू एंड देयर आर, I mean, every work that you do, every character that you play, you explore something more and probably you think about a new thing sometimes. But what was interesting about Kaushiki was that it's very different from me. Sayani bilkul bhi aisi nahi hai. And there are, Kaushiki is also a very complex character, you know. There are lots of shades that wo dheere dheere reveal hota jata hai. So for me it was actually very exciting and challenging, like that part was very challenging. तो वो एक मज़ा आया कि इंसान ऐसा क्यों करेगा या इस पॉइंट पे आके उसको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें जो कि ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर देयर, सबका एक अलग अलग ग्राफ है एंड बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है सबके अलग अलग ट्रैक्स. तो दैट्स रियली रियली नाइस. सो लेट्स सी व्हाट पीपल से ऑनेस्टली. मैंने हाँ इसीलिए किया. पहली बात तो वहाँ पे वो चश्मा पहन के नमित शर्मा जो है प्रोड्यूसर, उनसे मेरी मुलाकात हुई बिग सिनर्जी के ऑफिस में और उन्होंने मुझे एक नरेशन दिया था. और मुझे नरेशन बहुत ख़राब लगते हैं, मुझे नींद आ जाती है जल्दी, लोग नरेशन दे नहीं पाते अच्छा. पर इन्होंने बहुत अच्छा नरेशन दिया और मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा जो इसका एक कॉन्सेप्ट है और जो ये करना चाह रहे थे. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि इसमें ऐसा बहुत स्कोप है जिसमें कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, बना सकते हैं कुछ मज़ेदार. सुपर्ण वर्मा, मैं उनको जानती नहीं थी पर उनका काम पता था मुझे, तो फिर उनसे मुलाकात हुई, मैंने मटेरियल पढ़ा मैंने, तो जो भी था अच्छा लगा. एंड इट फेल्ट दैट इट वॉज द राइट काइंड ऑफ पीपल मेकिंग द शो, विच एक्चुअली आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन. कोई टाइम नहीं लगता है, अब एक्टर हो यार, आपका काम है ये करना, कोई टाइम वाइम नहीं लगता है. मैंने अभी एक फीचर ख़त्म किया है. मैंने अमेजोन के साथ एक और एक शो किया नया, इट्स कॉल्ड फोर मोर शॉट्स प्लीज, डायरेक्टर अनु मेनन. चार लड़कियों की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है वो, बहुत मज़ा आया. अभी रैप किया कल, हम एक दिन का शूट बचा है फिर हो जाएगा वो भी. इसमें जो मृत्युंजय का कैरेक्टर प्ले कर रहे राजीव सिद्धार्थ, वो भी उसके उसमें है, वो कुछ और, कोई और कैरेक्टर प्ले कर रहे, हमारा एक साथ नहीं है. पर तो हाँ, हम दोनों इसमें से वहाँ ट्रांसपोर्ट हुए सीधा. क्या है मेरा नाम? सायानी. हाँ, मैंने तीन बार देखा एक के बाद एक. और करते ही मैंने आरके और हिरानी सर को मैसेज भी किया कि मुझे बहुत ही कमाल लगा. मुझे ऐसा लगा ऑनेस्टली, रणबीर मुझे लगता है भारत के सबसे उम्दे कलाकार है, सबसे. मुझे इतना कमाल का काम करता है वो, इतना कमाल का परफॉर्मर है. सच में आई फील ही बिलोंग्स टू, यू नो, ही बिलोंग्स टू वर्ल्ड सिनेमा. हम शायद उसके लायक फिल्में नहीं बना पाते हैं, मुझे बहुत ही कमाल का लगता है. और हमने साथ में काम भी किया उसके साथ, वो छोटी छोटी चीज़ें जो करता है वो लगता है हाँ यार ये इसमें कुछ है. एंड ही ऑल्सो, आई व्हाट आई लव अबाउट हिम इज ही थिंक्स लाइक अ फिल्म मेकर, यू नो. ही ओनली डजंट थिंक अबाउट हिज, एंड ही इज रियली द ओनली पर्सन हु आई फील दैट जस्ट does good work and he believes in a project and he just does it, like Jagga Jasoos for example, like Tamasha, he chooses scripts. And now, you know, Sanju constantly does things that, you know, is very risky sometimes probably at that from that position, but usko nahi farak padta, usko acha kaam karna hai, including a Bombay Velvet for example. तो वो थोड़ा कभी कभी शायद डरावना हो सकता है उस पॉइंट पे, पर वो फिर भी मतलब बड़े दिल से वो काम करता रहता है, अच्छा काम करता है. और जैसे राजू सर हमारे सीनियर है, बहुत ही, तो क्या प्यारे इंसान है, तो वो इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं. अगेन आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ टू वेरी वेरी
incredible artists and very very strong voices of our generation, of contemporary cinema, what they do when they collaborate, you know. So I'm very excited about the collaboration. I'm bahut mazaa lag raha hai. I'll tell you something. Jis din main pehli baar mila tha Namit ko from Big Synergy, फिर बाकी कास्टिंग हुई, शेड्यूल डिस्कस हुआ, शूट किया, डबिंग की. जब भी कोई ऐसा प्रोसेस होता है जो ऐसे एक दिन का इवेंट नहीं है, पाँच छः महीने का है, इट कम्स टुगेदर. जिन्होंने भी काम किया सब एक साथ है, इट्स वेरी हैप्पी. सो वेदर इट डज वेल और नॉट, वी आर ऑलरेडी वेरी हैप्पी. अब बोनस ये है कि अच्छा लग रहा है, लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट्स अ बोनस. बट द फैक्ट दैट यू डन समथिंग और वो बाहर आता है, खुशी होती है. नाउ वी आर जस्ट होपिंग दैट पीपल लाइक इट. एंड सून द थिंग इज, चार एपिसोड बाहर आ गए, बाकी के जो बचे हुए नौ है वो एक एक हफ्ते में आएंगे. अभी यही एक्साइटमेंट है कि काश मैं सब एक साथ देख लूँ, बट आई ऑल्सो टू वेट. सर ये जब आप देखोगे आपको लगेगा कि अच्छा तबीयत से 40-50 दिन में बनाया गया, पर ये बहुत ही कम दिन में बनाया गया. कुछ ऐसे दिन थे जहाँ पर हम लोगों ने 18 पेज भी शूट किए हैं, सॉरी. एंड दैट्स एक ऐसे प्रोजेक्ट में ना, जब आप वेब के लिए कुछ करो, बजट टाइट होता है, शेड्यूल टाइट होता है. दैट मीन्स पूरी की पूरी क्रू और कास्ट को एक साथ एक फैमिली की तरह काम करना होता है, और अपने काम से ज़्यादा काम करना होता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. और बहुत हमने हंसी मजाक किया उस स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे. ऑफकोर्स एक सीन है जहाँ पर एक कैरेक्टर को, श्रुति को डाइव मारनी थी. उन्होंने कहा मुझे डाइव मारनी आती है. And मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ. मैंने स्लो मोशन कैमरा निकाला कि मैं देखता हूँ कैसे टाइम है. एंड शी फेल स्ट्रेट लाइक दैट. और वही शॉट यहाँ पर भी है. एंड हम लोग हंस हंस के पागल हो गए. ठंडा पानी और वो, और सारी जितनी भी स्ट्रेस थी वो हट गई, बिकॉज हर डाइव वॉज सो बैड. बट शी वेंट बैक अप एंड डिड इट अगेन एंड अगेन. इट वॉज वेरी स्पोर्टिंग. बट वी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं. बिग सिने जी के साथ जब नमित मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को बताया, शांतनु जो राइटर है उनके साथ, कि हम लोग ये वेब सीरीज बना जाते हैं. मेरे को उनकी वाइब, उनका वर्किंग कल्चर और उनका जिस हिसाब से वो काम करते हैं और अपने क्रू को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत पसंद आया. एंड ये सिनर्जी बहुत बिग होने वाली है मेरे और बिग सिनर्जी के लिए, बिकॉज हम लोग ये पहला इवेंट नहीं करेंगे, पहला प्रोजेक्ट नहीं है. अभी इसके बाद बहुत कुछ करने वाले हैं एक साथ. सो आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही थी और कह रहे थे कि काफ़ी सारे वेब शोज निकल रहे हैं. फ्राइडे को भी निकलता है, सैटरडे को भी निकलता है, मंडे को भी एक वेब शो आ जाता है. लेकिन ये वेब शो में कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंट्रीगिंग है और बहुत, आई वुड से इन अ वे इट्स पाथ ब्रेकिंग. जी ये देखें, क्योंकि ये रियलिस्टिक है और इसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इतने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे एक्टरों ने इन्हें निभाया है. एंड इट्स रियली माय प्रिविलेज टू वर्क विद एन एनसेंबल व्हिच इज़ सो रिच एंड इट लुक्स सो गुड. मैं नमित शर्मा जो को बोल रहा था, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, कि कोई भी वेब शो होता है ना, वो मुझे बड़े स्क्रीन पे देखना पसंद नहीं है होता ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग जो है ना, थोड़ी सी कोताही कर लेते हैं कि मोबाइल के लिए है तो फिर हम उसको उसी तरह से शूट करेंगे. लेकिन ये यहाँ पे देख के भी मुझे जो है ना, कोई भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म लग रही है एकदम. मैं बिल्कुल मैच नहीं करता सर. मैं बहुत ही ख़राब इंसान मैंने प्ले किया है और मुझे लगता है कि मैं ख़राब नहीं हूँ जीवन में एटलीस्ट. बट एक एक्टर का काम होता है, एक एक्टर का स्किल लेवल होना चाहिए कि वो कुछ भी प्ले कर सके. तो यही मैंने करने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच. आप मिले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. अरे वाह, बहुत ही अच्छे.